दोस्तों आप बचपन से ही बहुत सारे झूला झूले होंगे या देखे होंगे, लेकिन हर एक झूला उतना डरावना या खतरनाक नहीं था जितना आप सोचे होंगे। पर दुनिया में बहुत सारे ऐसे राइड है जो देखने में तो बहुत ही खूबसूरत होता है लेकिन उतना ही डरावना भी। ऐसे कई सारे राइड है दुनिया में जो दूर से देखने में जितना मजा आता है उतना ही खतरनाक फीलिंग राइड में सफर करने का टाइम मिलता है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही 5 झूले के बारे में जो खतरनाक तो है ही पर उतना ही थ्रिलिंग और एक्साइटिंग भी है। नंबर 1 पे आता है द मकाओ टावर। इस टावर की ऊंचाई की बात करें तो 1108 फीट है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग पॉइंट भी माना जाता है। लोग इस टावर की ऊंचाई से बंजी जंपिंग करना, उसके साथ साथ स्काई वॉक करना और झूले में झूलना भी बहुत पसंद करते हैं। और ये टावर मकाओ के हर एक पॉइंट से दिखाई देता है। और इस टावर की सबसे खास बात यह है कि ऊपर मौजूद ही ओपन स्काई डेक, जिसे एडवेंचर स्पोर्ट के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, आपको इस टावर पे एक बार जरूर घूम के आना चाहिए अगर आप में कुछ डेयरिंग करने की चाहत रखते हैं तो। 2 नंबर पे आता है ग्रेविटी मैक्स। ये दुनिया का सबसे खतरनाक रोलर कोस्टर में से एक है। इसकी ऊंचाई 114 फीट है और स्पीड की बात करें तो 90 किलोमीटर पर आवर से। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज्यादातर रोलर कोस्टर नीचे से स्टार्ट होकर स्लॉप की ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, मगर ग्रेविटी मैक्स कुछ अलग है। इसमें आपको 90 डिग्री एंगल करके नीचे की तरफ छोड़ दिया जाता है। इस राइड के दौरान एक लंबी सुरंग और कई सारे ब्लाइंड टर्न्स भी आता है जो राइड को बहुत ही रोमांचक और खूबसूरत बनाता है। 3 नंबर पे आता है बेंसी रोलर कोस्टर। जब हम खतरनाक राइड की बात कर रहे हैं और बेंसी रोलर कोस्टर का नाम ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी सबसे खतरनाक रोलर कोस्टर में से एक है। लोग अक्सर ही रोलर कोस्टर का सवारी खत्म होने का उम्मीद लगाए रहते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा बहादुर नहीं है तो इस रोलर कोस्टर की सवारी गलती से भी ना करें। किंग्स आइलैंड में मौजूद बेंसी रोलर कोस्टर को आम लोगों के लिए 18 अप्रैल 2014 को शुरू किया गया था। इसकी लंबाई की बात करें तो 4124 फीट मतलब 1297 मीटर है और इस रोलर कोस्टर की ऊंचाई की बात करें तो 187 फीट है, जो 150 फीट से एकदम नीचे की तरफ गिरता है। और इसकी स्पीड 109 किलोमीटर तक होती है, जो कि बहुत ही भयानक अनुभव कराता है। नंबर 4 पे आता है स्काई स्क्रीमर। अब हम ऐसी राइड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर ही आपकी पसीना छूट जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका के सिक्स फ्लैग्स थीम पार्क में मौजूद फन टाइम दौरान डिजाइन किया गया दुनिया का सबसे डरावना और ऊंचा स्विंग राइड है और इसकी ऊंचाई लगभग 72 मीटर है, जो कि आपको एक अलग ही अनुभव कराता है। इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। ये आपको कुछ चेन और केबल के सहारे इतनी ऊंचाई पर लटका कर घुमाया जाता है कि आपको चक्कर आनी ही आनी है और आप डर के मारे चीख उठेंगे। स्काई स्कीमर को सभी राइड्स में से सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसका चलने की अंदाजी बहुत ही खतरनाक है। नंबर 5 पे जिस राइड का नाम आता है इसके बारे में बात करें तो ये एक अलग ही रोलर कोस्टर है। हाँ दोस्तों, मैं जिस रोलर कोस्टर की बात कर रहा हूँ उसका नाम है टी एक्सप्रेस, जो कि दुनिया का 9 सबसे तेज, 4th सबसे ऊंचा और 3 नंबर पे आने वाली सबसे लंबी रोलर कोस्टर है। और दोस्तों, सबसे अनोखी बात यह है कि ये कोई स्टील या लोहे का नहीं है, ये लकड़ी का बना हुआ है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये लकड़ी का बना हुआ है और ये रोलर कोस्टर काफी तेजी से बहुत ही लंबी दूरी सफर करता है। ये रोलर कोस्टर इतना खतरनाक होने के बाद भी दुनिया भर के लोग यहाँ राइड का मजा लेने आते हैं। क्या आप भी ऐसे ही लंबाई और तेजी से चलने वाली राइड का सवारी करना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।